कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। खादी और ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC ने सरकार से बांस उद्योग में कच्चे बांस के इष्टतम उपयोग और उच्च लाभप्रदता के लिए बांस चारकोल पर निर्यात मनाही हटाने का अनुरोध किया है। भारतीय बांस उद्योग के सामने आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च इनपुट लागत है। हालांकि बांस चारकोल का निर्यात बांस अपशिष्ट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के व्यवसाय को अधिक लाभदायक बना देगा। KVIC के अध्यक्ष ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के वृहद लाभ के लिए बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की है। भारत में बांस का उपयोग अधिकांश अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है, जिसमें अधिकतम 16% अर्थात बांस की ऊपरी परतों का उपयोग बांस की छड़ियों के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84% बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है। अगरबत्ती और बांस शिल्प उद्योगों में उत्पन्न बांस अपशिष्ट का व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस इनपुट लागत 25,000 रुपये से 40,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के बीच है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से 5,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन के बीच है। इसकी तुलना में चीन में बांस की कीमत 8,000 रुपये से 10,000 रुपये प्रति मेट्रिक टन है, लेकिन 100% अपशिष्ट उपयोग के कारण इनकी इनपुट लागत 12,000 रुपये से 15,000 रुपये मेट्रिक टन है। KVIC के अध्यक्ष ने कहा कि बांस का कोयला बनाकर बांस के अपशिष्ट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है। यद्यपि घरेलू बाजार में इसका बहुत सीमित उपयोग है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अत्यधिक मांग है। बहरहाल भारतीय बांस उद्योग अपनी निर्यात मनाही के कारण इस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा है। उद्योग के बार बार के अनुरोधों पर विचार करते हुए KVIC ने सरकार से बांस चारकोल पर निर्यात प्रतिबंध हटाने का विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल उद्योग को विशाल वैश्विक मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, बल्कि बांस के अपशिष्ट के समुचित उपयोग से वर्तमान KVIC इकाइयों की लाभप्रदता को भी बढ़ाएगा और इस तरह प्रधानमंत्री के अपशिष्ट से संपदा के विजन में योगदान देगा। बांस चारकोल की विश्व आयात मांग 1.5 से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के दायरे में है और हाल ही के वर्षों में 6% की दर से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बारबेक्यू के लिए बांस का कोयला लगभग 21,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति टन के हिसाब से बिकता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग मिट्टी के पोषण के लिए और सक्रिय चारकोल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। अमेरिका, जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों में आयात की बढ़ती मांग नगण्य आयात शुल्क पर रही है। HS कोड 141100 के तहत बांस उत्पादों के लिए निर्यात नीति में एक संशोधन 2017 में किया गया था, जिसमें सभी बांस उत्पादों के निर्यात को OGL श्रेणी में रखा गया था और ये निर्यात के लिए मुक्त थे। हालांकि बैम्बू चारकोल, बैम्बू पल्प और अनप्रोसेस्ड शूट्स के निर्यात को अभी भी प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।